वबा कोरोना के कारोबार जारी। 24 घंटों के दौरान डेरा कासी खान में एक मरीज जान की बाजी हार गया। मजीद 5 केसेज रिपोर्ट। बहावलपुर में 7 अफराद का कोरोना मुस्बत आ गया। वैक्सीन लगवाओ कोरोना मकाओ। इम्तिहानात से पहले असातिज़ा की वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी। अब तक 800 से ज्यादा असातिज़ा ने वैक्सीन लगा ली। दूसरी जानी पीएचए और वासा मुल्तान के मुलाजमीन को भी वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। पीएचए के 780 मुलाजमीन और वासा के 1600 मुलाजमीन को वैक्सीन लगाई जाएगी। रहीम यार खान में खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम नाकाम हो गई। मुहिम गटरों का पानी आपकी दहलीज पर में तब्दील। नयासी कॉलोनी की गली तालाब का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया बराए नाम अमली इकदाम करने में मसरूफ। मकीन नाकिस इंतजाम पर परेशान और इंतजामिया से सफाई मसला हल करवाने का मुतालबा। खानेवाल की कॉलोनी नंबर 3 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया ने एक माह से फिल्ट्रेशन प्लांट को ताले लगा दिए। इलाका मकीन कहते हैं म्युनिसिपल कमेटी को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिल्ट्रेशन प्लांट का बोर बैठ गया, जल्द ठीक कराएंगे। सीओ म्युनिसिपल कमेटी इफ्तिखार बंदिश की यकीन दहानी। शरीफ में हाउसिंग कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। बिजली पानी न सिवरेज का बेहतर निजाम, गंदगी के ढेर ही ढेर। कॉलोनी में 7 साल से सिवरेज लाइन भी फाल न हो सकी। वजीर आला पंजाब वादा पूरा करें, हाउसिंग कॉलोनी को सहूलियात दें। मकीनों की दुहाई। मुल्तान की यूनियन काउंसिल 68 में तरक्याती काम शुरू। तारकाबाद से अहमदाबाद को मिलाने के लिए नई सड़क की तामीर का आगाज हो गया। पीटीआई रहनुमा राव आसिफ अनवर का तरक्याती मंसूबों का जायजा। राव आसिफ अनवर बोले नया रोड बनने से 2 बड़े इलाकों का सफर आसान होगा। विरोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर बहावर नगर का नोटिस। मोहल्ला निजामपुरा में 10 माह से बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट फाल होने पर शहरी खुश। शहरी रोही टीम की बेहद मशकूर। 14 जून को पंजाब का बजट पेश होने को तैयार। डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं जनूबी पंजाब को ज्यादा फंड दिए जाएं, जनूबी पंजाब के ज़राअत और मजदूरों के लिए फंड मुख्तस किए जाएं। जब से पीटीआई हुकूमत आई जनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिला। कोटे वाले पुल के करीब दरिया चनाब में एक शख्स डूब गया। नामालूम शख्स दरिया चनाब में नहाते हुए डूबा। रेस्क्यू की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पुल डीजी खान में 8 साल बच्चे के डूबने का मामला। कोट चुट्ठा पुल पर बच्चे को तलाश करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। लाश तहाल न मिल सकी। लवाहकीन का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला पंजाब टांगों और हाथों से महरूम बाहिम्मत तालिबा की आवाज बन गए। उस्मान बुज़दार का तालिबा किरण इश्तियाक की माली इमदाद और भाई को मुलाजमत देने का हुक्म। रहिंगर खान के नवाही गांव से ताल्लुक रखने वाली तालिबा ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। कोरोना वबा के बाद डेरा गाजी खान में खेलों के मैदान आबाद हो गए। सिटी क्रिकेट स्टेडियम में अंडर 19 के ट्रायल्स। पीसीबी की 5 रुकनी टीम 100 से ज्यादा खिलाड़ियों के ट्रायल्स ले रही है। 20 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाएगा। सूरज आग बरसाने लगा। बहावलपुर में 43 और डीडी खान में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी के सताए शहरियों ने मशरूबात के पॉइंट्स गर्म कर लिया। इमली का शरबत और घोटा पीकर गर्मी दूर भगाने लगी। और मुल्तान में कबूतर की मालिक से दोस्ती के चर्चे। बादल नामी कबूतर की मालिक शहबाज से अनोखी मोहब्बत। नन्ना कबूतर अपने मालिक के कंधे पर खूब अचखेलियां करता है। मोटरसाइकिल चलाने के दौरान भी बादल मालिक के साथ साथ उठता रहता है। शहरी भी बादल और शहबाज की मोहब्बत को देखकर हैरान है।